हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको हम अक्सर बोलते हैं लेकिन उसका ट्रांसलेशन करने में हमें आसानी नहीं मिलती है, मतलब हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि इसका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस लेकर आए हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं किस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। इस तरह के सेंटेंस है, तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। तो इसका कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देखिए तुम, तो पहले हम लिखेंगे तुम की इंग्लिश। तुम की इंग्लिश होती है यू। अब देखिए छुपा रुस्तम निकले तो हो जाएगा टर्न आउट, मतलब टर्न आउट हिडन गेम, मतलब कि टर्न आउट मतलब कि घूम गए, हिडन गेम मतलब कि छुपे हुए, छुपा रुस्तम निकले। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू टर्न आउट टू बी सो हिडन गेम। यू टर्न आउट टू बी सो हिडन केम, तुम तो बड़े ही छुपा रुस्तम निकले। उसके बाद देखिए दूसरा है, तुम तो बड़े मतलबी निकले। तुम तो बड़े मतलबी निकले, तो इसी तरह से इसको भी करेंगे, यू टर्न आउट टू बी, मतलबी का होता है सेल्फिश, स्वार्थी या मतलबी। यू टर्न आउट टू बी सेल्फिश, तुम तो बड़े ही मतलबी निकले, तो इसका हो जाएगा यू टर्न आउट टू बी सेल्फिश। उसके बाद देखिए हमारा अगला सेंटेंस है, तुम तो बड़े तेज निकले। तुम तो बड़े तेज निकले, तो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, सेम ऐसे इसको भी कर देंगे, यू टर्न आउट टू बी, यू टर्न आउट टू बी सो स्मार्ट। यहाँ पर देखिए टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश होगा, इतने मतलब ही निकले, मतलब कि तुम तो बड़े मतलब ही निकले, तो सो स्मार्ट होगा। यहाँ पर मिस हो गया था। उसके बाद देखिए तुम तो बड़े तेज निकले, इसका हो जाएगा यू टर्न आउट टू बी सो स्मार्ट, तुम तो बहुत ही तेज निकले। उसके बाद हमारा चौथा सेंटेंस है, तुम तो बड़े चालू निकले। तुम तो बड़े चालू निकले, तो सेम ऐसे ही हम इसका भी करेंगे, हो जाएगा यू टर्न आउट टू बी सो। अब यहाँ पर देखिए चालू है, तो चालू या चालाक इसकी इंग्लिश होती है क्लेवर, तो हम लिखेंगे क्लेवर। यू टर्न आउट टू बी सो क्लेवर, तुम बड़े ही चालाक निकले या तुम बड़े ही चालू निकले। उसके बाद देखिए पांचवा हमारा सेंटेंस है, तुम तो बड़े झूठे निकले। इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो कैसे करेंगे, तुम तो बड़े झूठे निकले, तो हम इसी तरह से इसको करेंगे, यू टर्न आउट टू बी सो झूठे। तो झूठे की इंग्लिश क्या होती है, लायर। लायर मतलब झूठ और लायर मतलब होता है झूठ बोलने वाला, मतलब झूठे। तो यहाँ पर हो जाएगा यू टर्न आउट टू बी सो लायर, तुम बहुत ही झूठे निकले, तुम तो बड़े झूठे निकले। उसके बाद है, तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरे टाइप का सेंटेंस है, जहाँ पर वो समझ के बाहर है, तो समझ के बाहर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मतलब बियॉन्ड मतलब होता है परे, माई अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है मेरी समझ के, मेरी समझ के परे मतलब कि मेरी समझ से बाहर है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से बाहर है। तो यहाँ पर सेंटेंस है हमारा, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, तो मेरी समझ से बाहर है इतना तो हमें पता है, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग इसका हो जाएगा।
और तुम्हारी बातें तो हो जाएगा योर टॉक, तुम्हारी बातें, योर मतलब तुम्हारी और टॉक, टॉक मतलब होता है बात करना या बातें। तो हम इसको सेंटेंस को बना देंगे, किस तरह से बनेगा, हो जाएगा योर टॉक्स आवर सॉरी आवर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर टॉक्स आवर बी योर टॉक आवर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है, ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। इसमें भी क्या है, मेरी समझ के बाहर है, तो इसमें भी बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का ही यूज होगा। तो इसमें भी हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो हो जाएगा यह सवाल, ये सवाल तो हो जाएगा दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह सवाल मेरे समझ से बाहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं नंबर 8, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो, तो इसका क्या हो जाएगा, अब तुम मेरी समझ के बाहर हो तो हो जाएगा यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। अंडरस्टैंडिंग नाउ, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम समझ से बाहर हो, तुम मेरे समझ से बाहर हो नाउ, अब तुम मेरी समझ से बाहर हो। और देखिए अगला सेंटेंस हमारा है नंबर 9, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है, तो हो जाएगा हिज बिहेवियर, उसका बर्ताव, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार या बर्ताव, तो हम लिखेंगे हिज बिहेवियर, उसका बर्ताव वाज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। वाज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, उसका बर्ताव मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पर वाज है तो यहाँ पर है तो यहाँ पर वाज नहीं होगा, यहाँ पर था लिख देते हैं तो ये वाज हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हमको इज का प्रयोग करना पड़ता। तो हमने यहाँ पर वाज लिख दिया बाय मिस्टेक, तो हमने यहाँ पर था कर दिया तो सेंटेंस सही हो गया है। उसके बाद देखिए नंबर 10 है, तुम लड़कियाँ मेरी समझ के बाहर हो, तुम लड़कियाँ मेरी समझ के बाहर हो। अगर ये सेंटेंस हमें बनाना है तो इसका क्या हो जाएगा, यू गर्ल्स तुम लड़कियाँ आर, तुम लड़कियाँ, यहाँ पे प्लूरल है मतलब बहुवचन है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आर यू गर्ल्स आर
बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर देखिए बस समझने की ये बात है कि जहाँ पर भी समझ से बाहर का यूज होगा, समझ से बाहर मतलब ये सेंटेंस में आएगा तो हम बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग प्रयोग करेंगे। बियॉन्ड मतलब होता है के परे, माई मतलब मेरे, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ के, मेरे समझ के बाहर, मेरे समझ के परे। तो जहाँ पर भी ये आएगा इस मेरे समझ के बाहर, तो हम वहाँ पर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करेंगे। बस हमें इतना ही यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंस को बनाया। आपको ये सारे सेंटेंस कैसे लगे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब भी इस तरह के सेंटेंस आएँ कभी भी बोलचाल की भाषा में आपके पास, मतलब आपको बोलना पड़े, तो आप इसको इंग्लिश में ट्राई करिएगा, बोलने का प्रयास करिएगा। तो धीरे धीरे वो आपके बिहेव में भी धीरे धीरे आ जाएगा, तो उसका ट्रांसलेशन करना भी आसान हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।